नमस्कार दोस्तों, फिर आज जरूर नई जानकारी के साथ। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? यूपी बोर्ड से एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जिसको सुनेंगे तो आप हैरान में पड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, पूरी तरह से चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई के साथ क्या है यूपी बोर्ड में, क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है, और आप जानेंगे तो काफी हैरान हो जाएंगे कि यूपी बोर्ड में इतना बड़ा झोलमाल हो रहा है और जो वहां के अधिकारी हैं, क्या उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, क्या उनकी आंखें पूरी तरह से बंद है, उन्हें सच्चाई सामने नहीं दिखती, क्या वो पूरी तरह से एकदम से जानबूझकर काम कर रहे हैं। सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाले बच्चों को उनके हिसाब से उन्हें फल नहीं मिल पाता, और जो फर्जीवाड़ा करते हैं वो अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कैसे क्या हो रहा है यूपी बोर्ड में, हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे और आपके सामने सारी सच्चाई होगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, अब आपको ले चलते हैं जहां पे न्यूज पब्लिश किया गया, ताकि आप लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। तो दोस्तों, देख सकते हैं अमर उजाला में ये न्यूज पब्लिश किया गया है, और आप देखिए साफ साफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यूपी बोर्ड में भारी गोलमाल, छात्रों ने जेंडर कॉलम में एफ भरा तो मिल गया स्व केंद्र। जी हाँ दोस्तों, ये केवल सुविधा महिलाओं के लिए है, छात्राओं के लिए है, इसकी सुविधा छात्र भी उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भरपूर नकल किया और वो पास हो गए, लेकिन दोस्तों वहां के अफसर क्या कर रहे थे, उनकी आंखों में पट्टियां बंधी थी, क्या वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे, उन्हें लड़का और लड़की में कोई अंतर ही नहीं दिखा, वो क्या कर रहे थे, इतनी बड़ी भूल। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने पूरी सच्चाई है, और पढ़ लेते हैं पूरी जानकारी क्या है। यूपी बोर्ड में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है, परीक्षा फॉर्म भरते समय नकल माफियों ने छात्रों से जेंडर कॉलम में एफ यानी मेल की जगह एफ फीमेल भरवा दिया और उनको स्वकेंद्र व्यवस्था का लाभ दिला दिया, क्योंकि बोर्ड की ओर से छात्राओं के लिए ही स्वकेंद्र की व्यवस्था है, लिहाजा फॉर्म में सिर्फ एफ देखकर बोर्ड अफसरों ने भी छात्रों को स्वकेंद्र आवंटित कर दिया। स्वकेंद्र मिलने के बाद हजारों छात्रों ने जमकर नकल की और परीक्षा भी पास कर ली। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि सबको पता चले और क्या हो रहा है यूपी बोर्ड में, सबको सच्चाई पता चलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए ही तक, आगे फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।